गोरखपुर में नागपंचमी के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर के मेला परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार व उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु खिताब के लिए फाइनल मुकाबला देखा। इस दौरान उन्होंने पहलवानों के बेहतरीन दांव पर ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब जीतने वाले गौतम बुद्ध नगर के जॉन्टी कुमार को 1,01,000 रुपए गदा व प्रमाण पत्र, उप विजेता मेरठ के अभिषेक को 51,000 रुपए व प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश कुमार का खिताब जीतने वाले यूपी पुलिस के आयुष को 51,000 रुपए गदा व प्रमाण पत्र, उप विजेता गोरखपुर के रमन को 25,000 रुपए व प्रमाण पत्र, वीर अभिमन्यु खिताब जीतने वाले कृष्णानगर के जनार्दन को 51,000 रुपए गदा व प्रमाण पत्र और उप विजेता सनीस खोखर को 25,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेल व्यक्ति को स्वस्थ रखने का माध्यम तो है ही, सरकार की खेल और खिलाड़ियों के हित में बनाई गई नीति से यह भविष्य संवारने का भी सशक्त माध्यम बन गया है। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकार यूपी पुलिस के साथ ही अन्य सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर नौकरी दे रही है। सरकार खेल और खिलाड़ियों के हित में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है, तो साथ ही खिलाड़ियों को पुरस्कार, नियुक्ति और भरपूर आर्थिक सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में खेलों का बेहतरीन माहौल बना है। हमारे खिलाड़ी खेल को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि खिलाड़ियों को हर संभव मदद देकर खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने पेरिस ओलंपिक का जिक्र करते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीतकर और हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक्स में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली हॉकी टीम का यूपी सरकार ने लखनऊ में सम्मान किया था। हॉकी टीम के ओलंपिक खिलाड़ी यूपी के ललित उपाध्याय को यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी पद पर नियुक्ति दी गई है। ललित कुमार ने इस बार भी ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि यूपी के ही खिलाड़ी राजकुमार ने पदक के मुकाबले में अपने शानदार प्रदर्शन से स्पेन को हराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, खेल सचिव सुहास एलवाई, क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आली हैदर, जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही, जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष मनीष सिंह, कालीबाड़ी के महत रविन्द्र दास समेत बड़ी संख्या में खेल प्रेमी अधिकारी मौजूद रहे। और काकोरी खेल एक्शन के शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ भी है। एक साथ इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं और पर्वों का आयोजन होना किसी सुखद आयोजन से कम नहीं। इस अवसर पर काकोरी खेल एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हुए आज ही के दिन 1925 को लखनऊ के काकोरी में पेन एक्शन की घटना को अंजाम देकर के ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज किया था। उनके साथ में थे राजेंद्र नाथ लाई, ठाकुर रोशन सिंह, अस्पताल खान, ऐसे तमाम क्रांतिकारी उनके सहयोगी थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का गोरखपुर से संबंध था। गोरखपुर की ही जेल में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। राजेंद्र नाथ लाही, ठाकुर रोशन सिंह और अस्पताल को गोंडा, फैजाबाद और नैनी प्रयागराज की जेल में फांसी की सजा दी गई थी। आज से लेकर के 9 अगस्त 2025 तक प्रदेश सरकार भारत माता के और महान सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए काकोरी
ट्रेल एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन कर रही है और इस शुभ संयोग है कि क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, युवा शक्ति के जागरण के लिए, उसकी प्रतिभा और उसकी शक्ति का लाभ समाज और देश को प्राप्त हो, इसके लिए आज नाग पंचमी के अवसर पर इस कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन के साथ मुझे स्वयं भी गोरखपुर में जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम में लगभग 300 पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें जनपद, गोरखपुर मंडल, खेल विभाग, कुश्ती संघ, प्रदेश के अंदर विभिन्न कुश्ती संघ है, कुश्ती छात्रावास है, स्पोर्ट्स कॉलेज है, उनके 300 से अधिक पहलवानों ने इस पूरे आयोजन में भाग लिया। इसके अलावा अभी यहाँ पर वीर अभिमन्यु उत्तर प्रदेश कुमार की प्रतियोगिता संपन्न हुई और थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश केसरी का फाइनल मुकाबला भी हम सबको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश कुमार का मुकाबला कितना रोचक और कितना जोरदार था। उत्तर प्रदेश कुमार में विनर के रूप में जो पहलवान यहां जोर अजमाइश कर रहा था, या खेल कोटे से ही उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुआ है और जो रनर थे और रेलवे में वे सेवा दे रहे हैं। खेल अब व्यक्ति के भविष्य को बनाने के साथ साथ, व्यक्ति को स्वस्थ रखने के साथ साथ उसके भविष्य को बनाने का एक माध्यम बन चुका है। और हम लोगों ने स्वयं 500 ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशिया, सेफ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स में जिन्होंने मेडल जीते हैं, उन खिलाड़ियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ विभिन्न विभागों में शासकीय नौकरियां प्रदान की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अपने पिछले 2 वर्ष के अंदर ही लगभग 500 खिलाड़ियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर खेल विभाग में नौकरी प्रदान की है।